सर, सर तू अंदर कैसे आया? उन्होंने मुझे बहुत मारा सर, सर मुझसे मार बर्दाश्त नहीं होती सर, सर मैं वो आदमी नहीं हूँ सर, सर सर मुझे उनसे मिलने दो ना सर, अगर वो बोल देंगे तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे सर, सर मेरी बात सुनो सर, इसको समझाओ ना सर, डालो सर, मैम सर मुझे माफ कर दे, मैं खुद यहाँ तक पहुँचा हूँ, कुछ आया समझ में, तुझे जान से मारने आया हूँ, मुझे मारने आया, माफ कर दे, प्लीज जाने दे, छोड़ देना, माफ कर दे। भैया कहाँ हो, रात के 1:30 बजने को आए, अब तक घर क्यों नहीं पहुँचे? I'm sorry त्रिशा, मेरे साथ एक विदेशी पैसेंजर है, वो टैक्सी में बैठ तो गया, अब उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, एक बार जब वो जाएगा तो मैं भी घर आ जाऊंगा। भैया उन्हें फोन देना जरा। हाँ अभी देता हूँ, आवाज मत करना। सर भैया ने सुबह से खाना नहीं खाया, अगर आप उन्हें जल्दी छोड़ देंगे तो वो घर आकर खाना खा लेंगे, उन्हें छोड़ दीजिए सर। वो तुम्हारी बात मान गए त्रिशा, अब वो जा रहे हैं। हाँ
छोड़ दे मुझे, मुझे माफ कर दे, मुझे जाने दे। आखिर तो है कौन? रशियन माफिया, मैक्सिकन कार्टेल। रशियन माफिया, मैक्सिकन कार्टेल, सीबीआई, पुलिस। जानना चाहता है कौन हूं मैं? कितनी देर कर दी भैया, लाइट भी नहीं है। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अभी देती हूँ भैया, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। थोड़े चावल और देना। बहुत भूख लगी है ना आपको, कभी लेट हो जाए तो थोड़ा बहुत बाहर खा लिया करो। जल्दबाजी में कुछ खा लेने के बजाय मुझे इंतजार करना ज्यादा पसंद है। पहले भूख से खुद को तड़पाना और उसके बाद जैसे ही खाना सामने आए उस पर टूट पड़ना। लगता है कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। हाँ, अभी भी भूख मिटी नहीं, पेट भर गया लेकिन मन नहीं। थोड़ा और दो। किसी प्रोफेशनल का काम है। ये प्रोफेशनल का काम नहीं है, इट्स पर्सनल। ये पैसों के लिए नहीं किया गया, बल्कि बदले के लिए किया गया है। भाई के मरने के बाद भी उसे 10 बार चाकू घोंपा गया। ये काम किसी पुलिस वाले का लगता है। ये पुलिस का काम नहीं है, वो सुनामी बनकर आया और सबको मौत के घाट उतार कर चला गया। नथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड हियर, ये किसी शातिर का काम है। सबूत का एक निशान तक नहीं छोड़ा। क्राइम की दुनिया के रग रग से वाकिफ है वो। आई थिंक इज अ कट थ्रोट क्रिमिनल। तुम्हारे भाई साहब को बताना चाहिए। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि छोटे की मौत की खबर तुम भाई तक पहुंचाओगे? उससे पहले उसकी लाश भाई के पास पहुंचनी चाहिए। कौन है वो? मरते वक्त इनकी आंखों में सिर्फ खौफ था, बदला नहीं। वो कातिल बिजनेस की कोई दुश्मनी निकालने के लिए नहीं आया था, बदला लेना ही बस उसका बिजनेस बन चुका है। अब तो भाई साहब को बताना ही होगा। आउट। हाँ भाई, 2 दिन से कॉल कर रहा हूं, छोटू फोन नहीं उठा रहा। कहाँ है वो? वो यहां से कहीं दूर गया है। Is everything all right? Yeah, perfect. I'll call you back. कहां हो तुम? मैं प्राइवेट टेक यार्ड 101 से बोल रहा हूँ। हमारे यार्ड से 500 मीटर की दूरी पर लगभग 4-5 दिन पहले क्या कोई इंटरनेशनल शिप वहाँ डॉक्ड थी?
Yes, sir. वो एक जापानी शिप थी। इस वक्त वो शिप एग्जैक्टली कहाँ पर है? हर इंटरनेशनल शिप में 360 डिग्री कवर करने वाले सर्विलेंस कैमरास इंस्टॉल होते हैं। हो ना हो, उस कातिल का चेहरा किसी ना किसी कैमरे में जरूर कैद हुआ होगा। Just get me that hard disk. वो हार्ड डिस्क कहाँ है? थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। सर, डीएनए मैच नहीं हो रहा है। Damn it. सर, हार्ड डिस्क। इसे लोड करो। It's getting uploaded, sir. 32 में से 8 कैमरास में मर्डर की फुटेज है सर। इमेजेस अपलोड हो रही हैं। किलर की हाइट 5 फुट 11 इंच। द किलर हैज अ फेयर कॉम्प्लेक्शन। किलर के कुछ बाल सफेद हो चुके हैं। किलर वेल बिल्ट है, राइट हैंडेड है और स्ट्रॉन्ग आर्म्स है। The killer's body is mesomorphic type. These are his physical parameters. सिर्फ यही फुटेज नहीं, हमने उस इलाके के हर शिप के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया है। He knew each and every blind spot in the surveillance. उसने पूरी प्लानिंग के बाद ही अपने काम को अंजाम दिया। It's a well executed murder, sir. कुछ तो है, कुछ तो जरूर मिसिंग है। सारे स्क्रीन्स पर कैमरा 5 की फुटेज दिखाओ। Got it. उसने एक फोन रिसीव किया रात 1:30 बजे। पोर्ट एरिया टावर एक इनकमिंग कॉल से एक्टिवेट हुआ था। वो शहर के एक और टावर से कनेक्ट हुआ था। वो कॉल 2:23 तक चलता रहा। दोनों मोबाइल गलत नाम और एड्रेस पर रजिस्टर्ड हैं। हाँ बिल्कुल सर, हम पता लगा सकते हैं। कैसे? हम इस एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम से उसके मोबाइल के सिग्नल पैटर्न को लॉक कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे जरूरी है उस मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर कॉल जाना या फिर किसी और मोबाइल से उस मोबाइल पर कॉल आना, और कॉल कम से कम 5 मिनट चलना चाहिए। सर, हम दोनों मोबाइल्स को 5 फीट की रेडियस तक लॉक कर सकते हैं। जस्ट डू इट। वेटिंग फॉर द कॉल सर। He will hunt you down. Keep tracing him. Come on. Come on. Pick up. दूसरा नंबर कनेक्ट हुआ। अगर कॉल 4:30 तक जारी रहा तो हम दोनों फोन्स की लोकेशन पता कर सकते हैं सर। जीपीएस का मोबाइल फोन है। एक ट्रे में मुझे उसका कटा हुआ सर चाहिए। गो गो गो। अगर कॉल 1 मिनट तक चला दो तो दूसरा कॉलर भी ट्रेस हो जाएगा। Where are you? We are locking on to the second number, sir. Where are you? Where are you? गणेश? अरे मेरे साथ जो थे वो कहाँ चले गए? वो बाहर चले गए मैडम। 30 सेकंड और सर। 10 सेकंड्स मोर सर। एरिया लॉक कर दिया है। कहाँ है वो? एरिया लॉक्ड है सर। कौन सा एरिया? हमारा ही एरिया। अंबेडकर एरिया। इसी लेन में है सर। इसी लेन में? इसी बिल्डिंग में है सर। इसी बिल्डिंग में? वो लिफ्ट से ऊपर आ रहा है सर। कहा था मैंने
वो छुप कर भागने वालों में से नहीं है, शिकार को ढूंढ कर वार करेगा। आ चुका है वो। He's coming up in the lift, sir. Tactical team out. Let's hunt him now. Attack squad. लाइट्स ऑफ करेगा। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। कहाँ है तू? कहाँ छुप के बैठा है? लुका छुपी खेले, आओ मुझे ढूंढो। इतना जिगर है तो सामने आके बात कर। जिगर देखना चाहता है। तो सुन, तेरे पीछे से दो परिंदे उड़ते हुए आएंगे। अरे इतनी हिम्मत है तो सामने आना, कायर की तरह पीछे से क्यों वार कर रहा है? आ रहा हूँ तेरे पास ही आ रहा हूँ। मुझे मिलने की बेचैनी हो रही है, तेरी बेचैनी और सांसें दोनों खत्म करूंगा। ए, तू गंदगी है। और मैं गंदगी साफ करने वाला।
कौन बोल रहा है? तेरे सबसे छोटे भाई का कातिल, और अब तेरे दूसरे भाई को भी मारने जा रहा हूं। कौन है तू? कौन हूं मैं? जो सबक तुझे तेरे माँ बाप नहीं सिखा सके वो मैं सिखाऊंगा तुझे। बस एक फर्क है, वो तुझे डांट कर सजा दे दे और मैं मार कर दूंगा। नहीं रुक जा, जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो फिलहाल मर्डर करने में व्यस्त है, कृपया लाइन पर रहे या फिर थोड़ी देर बाद कोशिश करें। कहाँ जा रही हो तुम? तुम एक खूनी हो, तुम कातिल हो। हाँ मैं हूँ एक कातिल, और बहुत जल्द एक और खून करूंगा। जो कोई भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो, उसे मैं खत्म कर दूंगा। मैं अपने भाई की शादी एक खूनी की बहन से नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये नहीं। तुम्हें एक खूनी की फैमिली से रिश्ता रखने में तकलीफ हो रही है तो फिर एक राज की बात सुनो, वो लड़की जिससे तुम्हारे भाई की शादी हो रही है वो मेरी बहन नहीं है। इस दुनिया में मेरी कोई बहन नहीं है, सुना तुमने? त्रिशा मेरी बहन नहीं है।